हेलो दोस्तों, आज हम सब कक्षा 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान को देखने वाले हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों पर चलते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको, जिसमें से पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल होगा ख 100 माइक्रोफेरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। ग दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति नमन कोण का मान है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। 5 नहीं 6 प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, तो दूसरा प्रश्न है क एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j m² से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? 450 वाट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसी चल कुंडली धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है? यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षैतिज घटक H तथा नमन कोण थीटा है, तो संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? चूंकि घ अंगा और च ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, एग्जाम में से निकाल दिया गया है। ठीक, तो हम आते हैं तीसरे तीसरे प्रश्न पर। क कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10⁴ N प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ख एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाता है। ग ग वाला भी आपको नहीं पढ़ना है। घ वाले पे आते हैं, एक लंबी सीधे तार में 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दृष्टि धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4×10⁻⁴ वेबर है, कुंडली का प्रेरकत्व तो क्या है? चौथे प्रश्न का ख वाला प्रश्न है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोणों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ख एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी डी है, चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ग वाला, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3, 2, 1 तथा 1, 2, 3 है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ग वाला, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान वाय चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा गया है तथा छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यदि इस पर 4.5×10⁻²⁸ N का बल आघूर्ण लगता है, तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अंगा वाला, एक परमाणु के नाभिक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वित्तीय पथ पर 5×10⁵ चक्कर प्रति सेकेंड की आवृत्ति से घूम रहा है, परमाणु की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 5वां फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ख श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ग दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। घ धातु के 2 गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं, प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है, चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। अंगा वाला प्रश्न है, 200 वोल्ट 0.2 एम्पीयर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5×10⁻⁷ Ω है, तार के व्यास की गणना कीजिए। 6वां प्रश्न है, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित मतलब अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सातवां, कृपया आपके विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में वीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र पी बट्टा क्यू, नौ नाइन नहीं क्यू है वो, पी बट्टा क्यू बराबर आर बट्टा एस प्राप्त कीजिए। पी क्यू आर एस द्वारा भुजाओं का प्रतिरोध दिया गया है, अथवा इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। आठवां प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से एक धारावाही रेखीय लंब चालक किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा किसी धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चालकीय रूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार परिवर्तित होता है। ए बी सी के मात्रक ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6 तथा सी बराबर 0.8 हो तो टी बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहकबल की गणना कीजिए, अथवा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। तो यहीं पर प्रश्न समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।